आप सभी को मेरा नमस्कार। आपने अब तक मेरी वीडियोस में प्राचीन भारत के अद्भुत ज्ञान की अनेक झलकियां देख ही ली होंगी, परंतु मेटलर्जी के क्षेत्र में भी भारत सदा से अग्रणी रहा था। ये एक बृहद विषय है, तो हम इसे अलग अलग वीडियोस में डिवाइडेड रखेंगे। भारतीय मेटलर्जी के क्षेत्र से जीसस के जन्म से भी पहले से परिचित थे। इसका छोटा सा उदाहरण मिलता है 2nd century BCE में कंपोज्ड ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के दूसरे अधिकरण का 12वां अध्याय पूरी तरह से माइनिंग को डिवोटेड है। यहाँ आकर अध्यक्ष अर्थात माइंस के सुपरवाइजर्स के गुणों से लेकर तांबे, पारे, स्वर्ण, चांदी, सीसे, लोहे, हीरे इत्यादि की खानों के संचालन का भी वर्णन है। चलिए, इतना इंट्रोडक्शन बहुत है, अब आज के ज्ञानार्जन को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द क्यूरियस केस ऑफ जिंक। मेटलर्जी के क्षेत्र में जिंक बड़ी मजेदार चीज है, और उससे भी मजेदार है भारत का जिंक से संबंध। क्या आप जानते हैं ब्रास, जो कि जिंक और कॉपर का एक अलॉय है, यदि इसमें जिंक की मात्रा 10% से अधिक हो तो ब्रास सोने जैसा चमकता है। अब नॉर्मल कंडीशंस में ब्रास में 28% से अधिक जिंक ऐड नहीं किया जा सकता, पर राजस्थान के जावर क्षेत्र में जिंक एक्सट्रैक्शन के प्रमाण मिलते हैं, वो भी लगभग 2nd century BCE से 4th century BCE के। यहाँ से प्राप्त ब्रास आइटम्स के एनालिसिस से पता चलता है कि उनमें 34% तक जिंक एडेड है। जिंक के साथ एक रिडल और है, वो ये कि जिंक ओर से प्योर जिंक प्राप्त करने के लिए लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है, पर जिंक 913 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होने लगता है और 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से पहले वेपराइज हो जाता है। इसी कारण जिंक प्राप्त करना काफी डिफिकल्ट है। इसके लिए भारतीय लोगों ने रिवर्स डिस्टिलेशन का यूज किया था, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अभी जानते हैं वो झूठ जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। चैप्टर 2, व्हाट आर वी टोल्ड। जिंक प्रोडक्शन का श्रेय दिया जाता है विलियम चैंपियन को। 1735 से पहले बहुत से यूरोपियन यही मानते थे कि जिंक को एलिमेंट फॉर्म में प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। फिर इंग्लैंड के इस मेटलर्जिस्ट ने 1738 में जिंक के डिस्टिलेशन का प्रोसेस खोजा, पर यह प्रोसेस एज इट इज 13th century की पुस्तक रसरत्न समुचय में वर्णित है। मैं जानता हूँ अब आपको ठोस प्रमाण चाहिए, तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर 3, रियलिटी ऑफ जिंक। 2006 में पब्लिश्ड एंशियंट एशिया जर्नल के वॉल्यूम 1 में जिंक एंड ब्रास इन आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव नामक एक शोध पब्लिश हुआ, जिसके कुछ पैराग्राफ्स हम आज देखेंगे। पूरी रिपोर्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस शोध पत्र में लिखा है, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, द फर्म एविडेंस ऑफ जिंक स्मेल्टिंग इज नोन ओनली फ्रॉम राजस्थान। द एंटीक्विटी ऑफ माइनिंग वेरियस टाइप्स ऑफ ओर्स इन राजस्थान गोज बैक टू ब्रॉन्ज एज, दैट इज मिड 4th millennium BC। अर्थात जिंक गलाने के पक्के प्रमाण हमें राजस्थान से मिलते हैं। अलग अलग प्रकार के ओर्स को राजस्थान में माइन करने का समय 4th millennium ईसा पूर्व तक जाता है। राजस्थान में जावर और काया के समीप जिंक माइनिंग के अवशेष मिलते हैं। जावर रीजन में मिली खाने 10 से 300 मीटर तक गहरी हैं, जिनमें मौजूद अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ कई सौ वर्षों तक माइनिंग हुई है। दरीबा में एक अंडरग्राउंड माइन 263 मीटर तक गहरी है और यह 300 से 400 वर्ष ईसा पूर्व की है। प्राचीन समय में ऐसी माइंस रेयरली ही मिलती हैं। 1596 में अबुल फैजल द्वारा लिखी गई पुस्तक आईने अकबरी में भी जावर की जिंक माइंस का वर्णन है। इस शोध के अनुसार कुछ हड़प्पन साइट्स पर कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स में स्मॉल परसेंटेज में जिंक भी मिलता है। अब आपके सामने भारतीय ब्रास कॉइंस के पीरियड्स को दर्शाने वाली एक टेबल है, जहां ब्रास अर्थात कॉपर और जिंक के अलॉय का यूज है। अब इस पत्र का बेहद इंटरेस्टिंग पोर्शन देखते हैं। विलियम चैंपियन एस्टैब्लिश्ड अ जिंक स्मेल्टिंग फर्नेस इन 1738 AD एट ब्रिस्टल इन इंग्लैंड एंड स्टार्टेड कमर्शियल प्रोडक्शन इन 1743। हिज फर्नेस वाज क्वाइट सिमिलर टू द जावर एग्जांपल विद डाउनवर्ड डिस्टिलेशन। व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट चैंपियन यूज्ड एग्जैक्टली द सेम टेक्निक ऑफ डिस्टिलेशन पर डिसेंजम दैट वॉज यूज एट जावर एंड इवन यूज 1.5% कॉमन साल्ट इन द जिंक स्मेल्टिंग चार्ज। तो बेसिकली विलियम चैंपियन ने जिंक एक्सट्रैक्शन का वो मेथड जो जावर में प्रयुक्त था और जो रस रत्न समुच्चय में लिखित है, वही प्रयोग किया था। तो क्यों यूरोपियन सारा श्रेय मिस्टर चैंपियन को ही दिए बैठे हैं, स्वयं सोचिए। और हाँ, आप चिंता ना करें, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरी।